हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे मिनरल रिसोर्स के बारे में। मिनरल्स में जो इंडिया में और वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं, मेरे पास ऑब्वियसली ऑप्शन है कि मैं उस चीज को टाइप कर दूंगा वहां पर और आपको फटाफट दिखा करके आगे बढ़ सकता हूं। बट यहां पर याद नहीं होगा, मतलब बुक्स में भी आपको वो सारे के सारे माइंस देखने को मिल जाएंगे बट अगेन वो याद नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आप एक बार सुन लेंगे, लिख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आराम से वो सारे माइंस याद हो जाएंगे। थोड़ा सा टफ होता है इन सब चीजों को याद कर पाना, लेकिन अगेन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको याद ही करना होगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग आज देखने वाले हैं मिनरल रिसोर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने तरीके के मिनरल रिसोर्स होते हैं और उस मिनरल रिसोर्स के बाद हम लोग अलग अलग तरीके से कंटिन्यू करेंगे। इन मिनरल रिसोर्स में बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं जिसको एक ही वीडियो में इंक्लूड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा और आपके लिए भी पढ़ना मुश्किल होगा। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और उसमें हम लोग एक एक या दो दो मिनरल के बारे में देख रहे होंगे, उसके सब कुछ ए टू जेड देखेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। रिसोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के रिसोर्स होते हैं। एक रिसोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल रिसोर्स और दूसरी रिसोर्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी रिसोर्स। इसके अलावा हम लोग एक और कैटेगराइजेशन करते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिसोर्स भी बोल देते हैं। हालांकि ये न्यूक्लियर रिसोर्स एक तरीके का एनर्जी रिसोर्स ही होता है, बट इसको हम लोग सेपरेट करके देखेंगे ताकि और डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करें। मिनरल रिसोर्स के बारे में देखें तो मिनरल जनरली होते हैं जो पृथ्वी के अंदर या कह सकते हैं अर्थ की क्रस्ट पे ही पाए जाते हैं। ये मिनरल कई तरीके से हो सकते हैं, जो हमारे क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन तीनों सतह पे, तीनों जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग मेंटल और कोर में तो जा नहीं सकते हैं, इस वजह से हम लोग क्रस्ट में ही डिग करके, मतलब कि माइनिंग करके हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं। इन मिनरल का कई सारा यूज है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या डेली यूटेंसिल्स या फिर किसी तरीके का यूज करने में हो या फिर सोना चांदी, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो आभूषण बनाने की यानी ज्वेलरी बनाने के काम में आ जाती हैं। यानी कि इसका बहुत सारा काम है कि इसको पहले माइन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन प्रोसेस करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे इसका। इस मिनरल रिसोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है जिसको हम लोग मेटालिक मिनरल बोलते हैं, जिसमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये सारी आ जाती है। दूसरी होती है जिसको हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल बोलते हैं, जिसमें सीमेंट, फर्टिलाइजर, एस्बेस्टॉस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आयरन रिसोर्स और इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आयरन रिसोर्स और इंडस्ट्री में सबसे पहले ये देख लीजिए, इतने तरीके का हमारा आयरन ओर होता है जिसमें बेसिकली चार टाइप होते हैं, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। करेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करें तो ये रेडिश, मतलब कि ये बेस्ट क्वालिटी की होती है। हीमेटाइट बेस्ट क्वालिटी होती है, दिस इज नंबर वन। सेकेंड बेस्ट क्वालिटी मैग्नेटाइट, थर्ड बेस्ट क्वालिटी लिमोनाइट एंड फोर्थ बेस्ट क्वालिटी होती है सिडराइट। काफी अच्छा लगेगा आपको जानने में, ये दोनों के दोनों इंडिया में पाए जाते हैं। तो मतलब हमारी जो बेस्ट क्वालिटी आयरन है वर्ल्ड में, वो हमारे यहां पर काफी ज्यादा पाई जाती है। वन बाय वन करके अगर सबको डिस्कस करें तो हीमेटाइट ये होती है जो रेडिश कलर की होती है, 70% मेटालिक कंटेंट होता है इसमें। ये बेसिकली साउथ इंडिया में या फिर कह लीजिए पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादा पाई जाती है, जैसे धारवाड़ और कडप्पा। इन दोनों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने रॉक सेशन के दौरान में देखा था कि रॉक के हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखे थे, धारवार, कटप्पा, फिर उसके बाद से विंध्या, बहुत तरीके के देखे थे, अरावली देखा था, तो बहुत सारी चीजें देखी थी। ये उसी टाइप का एक पार्ट हो जाता है। 80% हिमेटाइट रिजर्व जनरली पेनिनसुलर इंडिया, वो भी ईस्टर्न साइड में है, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया। वेस्टर्न साइड में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, लेकिन उतना कुछ खास नहीं होता है। मैग्नेटाइट के बारे में बात करें तो अगेन इसमें भी मेटालिक कंटेंट काफी हाई होता है, लेकिन हीमेटाइट से कम होता है। ये भी धारवार और कडप्पा सीरीज में ही पाए जाते हैं। यहां पर भी मैग्नेटिक क्वालिटी पाई जाती है। इलाका कौन सा है, तो इलाका अगेन साउथ इंडिया का है और साथ ही साथ राजस्थान का भी एक इलाका आ जाता है।
लिमोनाइट के बारे में बात करें तो ये थोड़ी सी इंफीरियर क्वालिटी होती है और येलोइश कलर होता है। देखिए ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वजह से आपको ध्यान में रखना है। ये दामोदर सीरीज में पाई जाती है जो रानीगंज कोल फील्ड के आसपास चीजें आ जाती हैं। ये पाया जाता है जो हिमालयन बेल्ट है बेसिकली, जैसे उत्तराखंड हो गई या फिर उत्तर प्रदेश के पास में हो गया, हिमाचल प्रदेश के पास में हो गया, जिस कारण से ये डेवलप्ड नहीं होते हैं और डेवलप्ड ना होने के कारण से इनमें जो मिनरल कंटेंट होता है वो रिलेटिवली काफी कम होता है और इस वजह से ये इंफीरियर क्वालिटी के हो जाते हैं। एडवांटेज यही है इसका कि इसमें आसानी से माइनिंग कर ली जाती है और आसानी से इसको प्योरिफिकेशन भी कर ली जाती है। सेटेलाइट के बारे में बात करें तो अगेन ये और सबसे खराब क्वालिटी का आयरन होता है, सबसे खराब क्वालिटी का लोहा होता है। इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं और इंप्योरिटी में क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, सल्फर हो गया, कई सारी चीजें हो जाती हैं। हालांकि इसका जो सेल्फ फ्लक्सिंग होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम होती है। आगे अगर बात करें तो हम लोग देख लेते हैं कि इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है आयरन में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि काफी ज्यादा इंप्योरिटीज हो जाती हैं और इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंप्योरिटी जो पाई जाती है वो सिडराइट में पाई जाती है और जो बाकी हिमेटाइट मैग्नेटाइट है काफी प्योर होती है, प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। यहां पर जो इंप्योरिटी होती है वो बेसिकली होती है सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, लेड, मैग्नीज, टिन की। इसमें हम लोग जब प्योरिफिकेशन करते हैं तो इनका प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग एक फर्नेंस का यूज करते हैं और इस फर्नेंस में बेसिकली हाई टेम्परेचर रखते हैं और इस हाई टेम्परेचर पे हम लोग बेसिकली जो आयरन होता है उसको हम लोग पिघला देते हैं। पिघलाने का मतलब मेल्ट कर देते हैं और उस मेल्ट करने के साथ ही साथ आयरन अलग हो जाता है और बाकी के जो इंप्योरिटीज होती हैं वो अलग हो जाती हैं। यहां पर जो मेन चीजें यूज होती है इंप्योरिटी को दूर करने के लिए वो होता है, सबसे पहले तो आपको कोक यूज करनी पड़ती है क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। दूसरे नंबर पे हमें एक फर्नेंस चाहिए ही होता है, साथ ही साथ हमें चाहिए होता है लाइमस्टोन। इस लाइमस्टोन की मदद से हम लोग इसको प्योरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि कोक क्यों यूज कर रहे हैं, कोक की जगह पे हम लोग कोल भी तो यूज कर सकते हैं, बल्कि कोक तो जो होता है काफी ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यानी इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। तो यहां पर आंसर यह है कि कोल के अंदर में सल्फर की इंप्योरिटी पाई जाती है और अगर इस सल्फर को हम लोग यूज कर लेंगे इस प्योरिफिकेशन के लिए तो हमारा आयरन जो इंप्योरिटी को दूर करने के लिए इस फर्नेंस में भेजा गया था वो और ज्यादा इंप्योर हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग इस सल्फर की इंप्योरिटी से बचने के लिए कोक का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग आयरन की प्योरिटी कर लेते हैं, मतलब कि इस फर्नेंस से निकाल देते हैं, तो हमारे पास अलग अलग तरीके का आयरन मिल जाता है। जैसे एक होती है पिग आयरन होती है, फिर कास्ट आयरन, फिर स्टील, फिर स्टेनलेस स्टील, फिर उसके बाद से हो जाती है रॉट आयरन। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक देख सकते हैं कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है। किस चीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां पर है आयरन कंटेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा आयरन किस में होगा, पिग आयरन में, फिर कास्ट आयरन में, फिर स्टील में, फिर स्टेनलेस स्टील और फिर रॉट आयरन में। इसके साथ ही साथ ये कार्बन का भी सेम यही कंटेंट होता है, मतलब कार्बन सबसे ज्यादा पिग आयरन में रहेगा, फिर कास्ट आयरन में, फिर स्टील में, फिर स्टेनलेस स्टील में और लास्टली रॉट आयरन में होता है। रॉट आयरन एक तरीके का बहुत ही मेल्टेड फॉर्मेट में होता है, मतलब कि इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट करना काफी आसान होता है क्योंकि इसमें हार्डनेस नहीं होती है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करें तो यहां पर क्रोमियम और निकिल भी मिला दिया जाता है जिससे इसकी टफनेस काफी स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही साथ इसमें एक लेयर लग जाती है जिसके कारण से अब इसमें जो कोरोजन हो सकता था, मतलब कि जो जंग लग सकती थी, वो अब नहीं होती है। तो इस वजह से स्टेनलेस स्टील के सहारे हम लोग जो भी घरेलू सामान या फिर कह लीजिए यूटेंसिल्स होती है उनको हम लोग इसके थ्रू बना लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि आयरन रिसोर्स कौन से हैं और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री किस तरीके से डिसाइड होती है, तो सबसे पहले आयरन ओर के बारे में हमें पता है कि हिमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों इंडिया में काफी ज्यादा मिलते हैं। हिमेटाइट रिजर्व जनरली ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मिलता है और मैग्नेटाइट भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में मिलता है। ये हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं अपने टेबल में। अगर हम लोग इस रिसोर्स को जरा मैप में देखें तो इंडिया के बारे में अगर आए तो सबसे ज्यादा मिलता है, हमें पता है कि ओडिशा में। इनफैक्ट इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगा कि कौन कौन सी मिनरल किस इलाके में, मतलब कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, बट वो हमारे एंड के लेक्चर में होगा। उस ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीजें, मतलब सारे मिनरल आपको एटलीस्ट एक दिमाग में बैठ जाएंगे कि कहां पर कौन से मिनरल पाए जा सकते हैं।
इसके अलावा हम लोग जब भी मिनरल्स देख रहे होंगे तो हम लोग कंसेप्ट वाइज मिनरल को देखेंगे, ये नहीं कि आप किताब से उठा करके रट्टा मारना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर आप रट्टा मार ही सकते तो वीडियो बनाने की जरूरत ही क्या थी, सीधी सी बात है। यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से देखेंगे, और ये कंसेप्ट देखिए बेसिकली ये रहेगा कि आपको याद करने में आसानी करा देगा, बस याद तो आपको करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर उड़ीसा का नाम उड़ीसा है तो आपको याद ही करना पड़ेगा इसका नाम उड़ीसा है, इसमें कोई अदर दूसरा कोई चारा नहीं होता है। अब देखिए ये जो इलाका है ये हमारा इलाका है उड़ीसा का, और उड़ीसा में सबसे ज्यादा आयरन मिलता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं, और उस इंपॉर्टेंट इलाके में सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है उसका नाम है बाराबिल कोयरा वैली। नाम लिख दे रहा हूं मैं, बाराबिल कोयरा वैली। इस बाराबिल कोयरा वैली में बेसिकली ये वैली होती है और यहां पर नदी बहती है, और नदी के कारण से यहां पर आयरन ओर मिल जाते हैं। यहां पर अगर इलाके के बारे में बात करें तो इलाका आता है सुंदरगढ़ का इलाका, साथ ही साथ में कटक का इलाका, फिर उसके बाद से कटक हो गया, सुंदरगढ़ हो गए, फिर हो गया क्योंझर का इलाका हो जाता है, क्योंझर, साथ में कोरापुट हो जाती है। ये सारा कुछ आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मैंने इस पे इंक्लूड नहीं किया है। फिर मयूरभंज हो जाती है, दिस इज मयूरभंज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दूसरा इलाका आता है छत्तीसगढ़ का, तो ये हो जाती है हमारी छत्तीसगढ़ सेकेंड रीजन, वन सेकेंड, ये सेकेंड रीजन छत्तीसगढ़ की हो जाती है। छत्तीसगढ़ में जो मेनली है वो है बैलाडीला, बैलाडीला। इसके अलावा एक और इलाका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली रजहारा, दिल्ली रजहारा, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर बात करें तो थर्ड आती है वो होती है झारखंड, तो ये इलाका तीसरा, और ये हो जाता है झारखंड का इलाका। इस झारखंड के इलाके में अगेन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इलाके होते हैं, जैसे सिंहभूम हो जाता है, सिंहभूम। इसके अलावा हजारीबाग हो जाती है, नावमुंडी और डाल्टेनगंज, ये दो इंपॉर्टेंट है, नावमुंडी और डाल्टेनगंज। इसको सारा कुछ लिख लीजिएगा आप लोग, डाल्टेनगंज, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो है हजारीबाग भी एक इलाका आ जाता है, बट दैट इज नॉट मच सिग्निफिकेंट, इस वजह से यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, अदरवाइज सारे पोजीशन हम लोगों ने यहां पर देख लिए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो कर्नाटका में आती है, तो कर्नाटका का इलाका ये आ जाता है, और इस कर्नाटक में हमारे पास जो इलाके हैं वो आती है बाबा बुदन हिल्स, तो यहां पर बाबा बुदन हिल्स आ जाती है जहां पर हमें आयरन मिलता है। इसके अलावा चिकमंगलूर और संदूर भी इलाका है जहां पर हमें आयरन ओर मिलता है, तो चिकमंगलूर एंड संदूर, ये दो इलाके हैं जो आपको याद रखने हैं जहां पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इलाका आता है आंध्र प्रदेश का, और ये इलाका हमें आंध्र प्रदेश का मिल जाएगा। इस आंध्र प्रदेश के इलाके में भी अगेन कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं, जैसे कुरनूल हो गया, जो हमेशा आप लोग देखते होंगे कि इसका नाम आता रहता है, साथ ही साथ गुंटूर होती है, गुंटूर, वन सेकेंड, गुंटूर हो गई। फिर कडप्पा रीजन हो जाता है, कडप्पा, जिसको हम लोगों ने अपने माउंटेन रेंज में भी देखा था। और लास्टली एक और आ जाती है नेल्लोर नाम से, एन ई डबल एल ओ आर ई। इसको देखिए दो तीन बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप ये इलाके का नाम याद हो जाएगा, और बाकी तो ये न्यूज में बने ही रहते हैं। बाकी साथ ही साथ में महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, और इस महाराष्ट्र में जो कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं, कुछ इलाके जो हैं, उसका नाम है रत्नागिरी और चंद्रपुर। तो रत्नागिरी इस इलाके में भी पाया जाता है, और साथ में चंद्रपुर। इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। कुछ कुछ इलाके और बात कर लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी हमें आयरन ओर मिलती है। यूपी, यहां पर भी मिलती है, यूपी में मिर्जापुर के पास में हमें आयरन ओर मिल रही होती है। तमिलनाडु के बारे में बात करें, तमिलनाडु में भी हमें आयरन ओर मिलती है, और इस तमिलनाडु में हमें जैसे तिरुचिरापल्ली हो गई, सेलेम हो गया, कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट इलाके लिख लीजिए, जैसे सेलेम हो गई, फिर उसके बाद मदुरई हो गया, फिर उसके बाद कोयम्बटूर हो गई। कोयम्बटूर में जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं कोयम्बटूर, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली भी हो गई। तो ये सब इलाके हैं जो तमिलनाडु में हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के राजस्थान इलाके में भी आ जाते हैं, और राजस्थान में अगेन इंपॉर्टेंट इलाका वही है जहां पर कोविड काफी ज्यादा फैला था। कौन सा इलाका? भिलवाड़ा। तो भिलवाड़ा में काफी ज्यादा आयरन मिलता है, साथ ही साथ में जयपुर, अलवर, इन सब जगहों पर भी काफी ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है, एटसेट्रा। काफी ज्यादा है, नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं रखना है। बाकी उत्तराखंड में अगर आ जाएंगे तो उत्तराखंड में भी हमें पाए तो जाते हैं, बट वो इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, तो उतना कुछ खास नहीं है। जैसे गढ़वाल का रीजन हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, तो यहां पर पाए जाते हैं। तो ये अल्मोड़ा और नैनीताल आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये काफी जानते हैं इसके बारे में, नैनीताल, ठीक है। फिर उसके बाद से हरियाणा में भी पाई जाती है। हरियाणा में आप लोगों को पता होगा कि यहां पर एक इलाका है महेंद्रगढ़, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी रिलेटेड हमें चीजें मिली हुई हैं। तो ये बेसिकली महेंद्रगढ़ मिल गया, महेंद्रगढ़।
बाकी इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी मिल जाती है। ये हो गई हमारी वेस्ट बंगाल, जहां पर हमें दार्जिलिंग इलाके में मिलता है। तो दार्जिलिंग इलाके में हमें आयरन ओर मिल जाती है। तो देख सकते हैं ऑल इंडिया हर जगहों पर ही लगभग लगभग पाया जा रहा है। बाकी जम्मू कश्मीर में भी अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी मिलता है, यहाँ पर भी आपको उधमपुर इलाके में मिल जाती है। उधमपुर जो कटरा से आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप जम्मू तवी से, वैसे ही उधमपुर में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में जम्मू तवी में भी मिलती है। तो जम्मू में भी ये मिल जाती है, केरला में भी कोझिकोड़े में मिल जाती है। तो लगभग लगभग देख सकते हैं ऑल इंडिया हर जगहों पर ही हमें आयरन रिसोर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर एक खास बात है और वो खास बात आपको देखने को मिल रही होगी, जहां जहां पर भी माउंटेन या फिर प्लेटू है, माउंटेन या फिर प्लेटू है, वहां वहां पर हमें आयरन और आयरन रिच रिसोर्स जरूर मिल रहा है। भले वो किसी क्वालिटी का हो लेकिन माउंटेन जरूर मिल रहा है, चाहे वो छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन हो गया हो या फिर हिमालय का रीजन हो गया हो या फिर अरावली का रीजन हो जाए या फिर वेस्टर्न घाट का इलाका हो जाए या फिर ईस्टर्न घाट का इलाका हो जाए। तो हर जगहों पर हम जो देख रहे हैं कि जहां पर भी माउंटेन या फिर पठार है वहां पर हमें इस तरीके की चीजें मिल जा रही हैं। क्लियर। अब हम लोग जरा आ जाते हैं और हम लोग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी देख लेते हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोग अगेन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बना करके देखेंगे। वर्ल्ड में हम लोगों ने देख ही लिया इंडिया में कि इंडिया में काफी ज्यादा आयरन रिच रिसोर्स है। आयरन इंडिया के अलावा चाइना में भी काफी ज्यादा मिलता है। चाइना में भी कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं उसके नाम भी बता देता हूं, जैसे मंचूरिया हो गया, सियाकिन हो गए, सीकियांग हो गया। तो यहां पर जैसे मंचूरिया का इलाका हो गया मंचूरिया, फिर सीकियांग हो गया, इसके अलावा वुहान जहां से कोरोना वायरस निकली ऐसा मीडिया सोर्सेस के थ्रू बताया गया है, बाकी साथ में शैनडॉग वैली, शैनडॉग पेनिनसुला, एक्चुअली ये वैली नहीं है, दिस इज पेनिनसुला। तो ये वो इलाका है जहां पर आयरन रिसोर्स काफी ज्यादा मिलता है। एक्चुअली ये इतना ज्यादा आयरन इसीलिए मिलता है, इनफैक्ट इन सब में मंचूरिया में सबसे ज्यादा आयरन रिसोर्स मिलते हैं और मंचूरिया में आयरन बहुत ज्यादा मिलने के कारण ही वर्ल्ड वॉर के दौरान में जापान और रशिया ने मंचूरिया को कैप्चर करने के लिए चाइना पे अटैक कर दिया था। तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आयरन रिसोर्स की। उस समय की कंडीशन ये थी कि हमारे वेपन्स उतने डेवलप नहीं थे और एम्यूनिशन बनाने के लिए, गोलियां बनाने के लिए आयरन के जो भी माइंस थी उनको पहले कैप्चर करना काफी जरूरी था। ये केवल और केवल रशिया और चाइना, मतलब कि रशिया और जापान ने चाइना के लिए नहीं किया था बल्कि स्पेन में भी यही काम किया गया था, फ्रांस और जर्मनी के द्वारा भी यही सारे काम किए गए थे। तो इस चाइना के बाद फटाफट चलते हैं अपने यूरोप में और देखते हैं कि यहां पर कहां आयरन रिसोर्स पाई जा रही है। तो आयरन रिसोर्स एक तो पाई जाती है रूहर वैली में जो कि जर्मनी में है। दिस इलाका इस जर्मनी, यहां पर बहुत छोटा छोटा बना हुआ है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये हमारी जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है और यहां पर भी हमें कुछ इलाके में पाया जाता है लेकिन यहां पर ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, बट यहां पर रूहर वैली मिलती है। तो दिस इज रूहर वैली और इस रूहर वैली में जो कि बेसिकली जर्मनी के अंडर में आती है और यहां से ये जर्मनी वाले निकालते थे। इसके अलावा ये इलाका है जहां पर जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर मैच होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्साक लोरेन, और इस अल्साक लोरेन पर भी हमें आयरन माइंस पाई जाती हैं, जिसके कारण से फ्रांस और जर्मनी दोनों ने ही अटैक किया था इस इलाके को लेने के लिए और अल्टीमेटली ये इलाका वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों में आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था और इस तरीके से दोनों आज भी मिलकर के यहां से आयरन रिसोर्स निकालते हैं। ये वही इलाका है जहां पर इस रूहर वैली से ही, ये जो रूहर वैली है इस इलाके से ही आज की डेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहां पर डेवलप की जाती है। तो जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गए, जैसे हमारी बीएमडब्ल्यू की कारें आप लोग देखते होंगे या फिर ऑडी देखते होंगे, मर्सिडीज बेंज देखते होंगे, फॉक्स वैगन देखते होंगे, ये सारे के सारे इसी रूहर वैली से आयरन निकालते हैं और इस तरीके से यहां पर ये अपनी ऑटोमोबाइल डेवलप करते हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा डॉनबास का इलाका, कर्च का इलाका, कर्च जैसे ये भी अगेन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कर्च यहां पर पाई जाती है, यह हमारी रशिया हो गई, रशिया के साथ में यूक्रेन आ जाता है और यूक्रेन के साथ ही एक छोटा सा यहां पर आपको आइलैंड मिल जाएगा कर्च, इस इलाके में आपको कर्च मिल जाएगी। यहां पर देखिए काफी छोटा इसलिए दिख नहीं रहा है। तो दिस इज बेसिकली कर्च। कर्च स्ट्रेट भी काफी ज्यादा फेमस था, मतलब काफी ज्यादा न्यूज में था और ये आपको यूक्रेन के साउथ में मिलती है। तो ये यूक्रेन का इलाका है जहां पर अगेन काफी इंपॉर्टेंट होता है ये इलाका, कर्च का इलाका और डॉनबास का इलाका, ये दोनों इलाके काफी इंपॉर्टेंट आयरन रिसोर्स की वजह से हैं, जिसके कारण से रशिया ने इनको अटैक करके अपने ऊपर, मतलब कि रशिया जब डिसइंटीग्रेट हुआ था तो इन इलाकों को नहीं छोड़ा, बाकी सारे इलाकों को अपना छोड़ दिया, बाकी इलाके डिसइंटीग्रेट हो करके अलग अलग हो गए।
तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे इलाके बन जाते हैं। एशिया यूरोप के बाद अगर हम लोग अफ्रीका में आ जाए तो अफ्रीका में देखिए कुछ खास यहां पर आयरन नहीं पाया जाता है, तो आयरन यहां पर जनरली नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां पर पाया जाता है, जैसे लाइबेरिया। तो यहां पर लाइबेरिया पाई जाती है, लाइबेरिया कंट्री है, और इस लाइबेरिया में हमें कुछ मात्रा में आयरन मिल जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे मंचूरिया, यहाँ पर मोरक्को हो गया, फिर उसके बाद से अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, इन इलाकों में भी हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मोरक्को, ट्यूनिशिया और अल्जीरिया, ये दो, मतलब ये तीन स्टेट्स, ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर हमें पार्ट में यहां पर हमें आयरन मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग रशिया और कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो इस इलाके में भी हमें आयरन मिल जाता है। तो ये इलाका वो है जहां पर हमें रशिया और कजाकिस्तान के साथ में शेयर होता हुआ आयरन मिलता है। इस इलाके में जैसे यूराल हो गया, मैग्नीटोगोर्स्क, फिर उसके बाद अंगारा और करागांडा। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं, मैं उसका नाम लिख देता हूं, ऊपर लिख रहे हैं। जैसे एक इलाका है जो करागांडा है, इसके अलावा यूराल, यूराल तो पर्वत ही है तो यूराल के पास में आ जाता है। इसके अलावा अंगारा एक इलाका है जहां पर हमें आयरन मिलता है, और साथ में मैग्नेट से याद कर लीजिए, मैग्नीटोगोर्स्क, तो ये रशियन नाम है मैग्नेटो, दिस इज मैग्नीटोगोर्स्क। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये इलाका जो है बेसिकली रशिया और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है। बाकी अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका में, तो ये नॉर्थ अमेरिका में जो आप ये देख रहे हैं ग्रेट लेक्स का इलाका, ये इलाका आयरन से काफी ज्यादा रिच है। तो जो ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स के पास बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, जैसे डुलूथ हो जाता है और भी बहुत सारे यहां पर रीजन आ जाते हैं जिससे यहां पर चीजें निकाली जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इलाकों के नाम आप लोग देख लीजिए जो बेसिकली यहां पर माइंस हैं, जैसे एक इलाके का नाम है शेफरविले, तो दिस इज बेसिकली शेफरविले। शेफरविले के अलावा लेब्राडोर, अगेन इसके नाम पर करंट भी है तो लेब्राडोर भी हो जाती है। साथ में यहां पर मेसाबी रेंज आ जाती है, तो मेसाबी रेंज में भी आयरन पाया जाता है। अलाबामा, अलाबामा के अलावा कैलिफोर्निया, और साथ ही साथ में ओरियन में भी पाया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ माइंस हैं जहां पर हमें आयरन मिलता है। साउथ अमेरिका में आ जाते हैं, तो साउथ अमेरिका में भी हमें कराजास रीजन में, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं जैसे ब्राजील के पास में यहां पर है, जैसे एक इलाका है जिसका नाम है कराजास, कराजास के अलावा इलबारा, इसके अलावा मिनास एंड गेरियास, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं। नाम याद रहे गुड एनफ, नहीं याद रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि कहां कहां पर हमें इस तरीके की माइंस मिल रही हैं। तो अगेन आप देखेंगे जहां जहां पर भी पठारी इलाका है या फिर नदियां हैं वहां पर हमें माउंटेन, वहां पर हमें मतलब आयरन रिसोर्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमें मिलती है इस तरीके से आयरन रिसोर्स, जैसे यहां पर जो इलाका है जैसे पिलबारा, दिस इज पिलबारा इलाका। इसके अलावा आयरन ड्यूक हो गया, आयरन नॉब हो गया, तो ये भी इलाके हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाका है पिलबारा का। तो इस तरीके से हम लोगों ने आयरन रिसोर्स के बारे में देखा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली इस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है इलाके के डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमें जब तक अवेलेबल नहीं रहेगी हम लोग कभी भी इंडस्ट्री सेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में ये इलाका ग्रेट लेक्स के पास में, और ग्रेट लेक्स हमें पता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कि वाटरवेज के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा आयरन या तो डेवलप करके या फिर ब्रिटेन और यूरोप की कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा हमें चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब कि बैंकिंग फैसिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स पाया जाए जिससे इंडस्ट्री लगा करके यहां पर डेवलपमेंट की जा सके। बाकी अल्टीमेटली तो लेबर फोर्स चाहिए ही होता है। मार्केट अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अदरवाइज इंडस्ट्री को डेवलप करना ही कोई फायदा नहीं रहेगा। और साथ ही साथ हमें गवर्नमेंट पॉलिसी चाहिए होती है, क्योंकि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के लिए हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली लाइसेंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी पे ही डिपेंड कर जाती है। तो ये थी हमारी पूरी डिस्कशन आयरन के बारे में, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ है हमारे पास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।